नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 अक्टूबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2022 की पूरी अपडेट को देखेंगे और बात करेंगे दोस्त रिजल्ट के लिए सिर्फ dlrizult.com। जी हाँ दोस्त, अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया, जो कि हमारा प्रमोट का रिजल्ट जारी हो चुका है, तो उसको दोस्तों आप इस वेबसाइट के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और आपको बता दें, स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा वो अपडेट को देखेंगे। लेकिन कुछ और बड़ी अपडेट, एडेड कॉलेज में लिपिक भर्ती का जिलेवार अब तक जारी विज्ञप्तियां देखेंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र। जी हाँ दोस्त, इस बार ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन आवेदन पत्र है, देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप हो सकता है छूट जाएं। यूपी को 15 नवंबर तक करें गड्ढा मुक्त, सीएम योगी अभियान शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। चलिए एक अच्छी खबर है हमारे लिए, ये 15 नवंबर तक हो सकता है कि गड्ढा मुक्त हो जाए अगर आपके जिले में गड्ढे बहुत है तो। एक और बड़ी खबर दोस्त निकल कर आई कि क्या बदलेंगे यूपी पीईटी के परीक्षा केंद्र। योगी सरकार से ये शिकायतें कर रहे हैं अभ्यर्थी। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक जहां पर भी हो शेयर करना है, ठीक है। यूपी टेट सी टेट और सुपर टेट की भी हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले दोस्तों देख लेते हैं परीक्षा डेट सीट को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। देखिए हमारा पेपर उम्मीद है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर में शुरू होगा, लेकिन अब अक्टूबर जिस हिसाब से बीत रहा है उम्मीदें अब कम होती जा रही है, पेपर नवंबर में होने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो भैया गणित में और संस्कृत, ठीक है, बाकी जगह संस्कृत जगह क्या मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर में होंगे तो आपको इंग्लिश मिलेगा, फोर्थ में भी इंग्लिश है, तो इसमें दोस्तों आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। जो बच्चे सेमेस्टर एग्जाम देंगे, मतलब पहला पेपर विज्ञान का 10 बजे से 11 बजे तक होगा, तो दूसरा पेपर 11:30 से 12:30 है, ठीक है, तो आपको रिविजन का मौका नहीं मिल पाता, तो उसी हिसाब से इस बार आप लोग तैयारी करेंगे। इसी वजह से अगर आपने प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट देखा होगा तो 70,000 से ज़्यादा छात्र फेल हुए हैं, ठीक है, तो हर एक जानकारी आप तक होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं डीएलएड 2019 बैच फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोटेड रिजल्ट और थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट जारी हो चुका है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये रही हमारी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अधिक जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे सीटेट को लेकर। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जिले भर जो विज्ञप्तियां, जैसे जनपद सहारनपुर से विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। पद का नाम है सहायक लिपिक, आरक्षण अनारक्षित, वेतनमान दोस्त ये दिया गया है, ठीक है, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 27 अक्टूबर 2022 के सायं 5 बजे तक। पदों की संख्या यहाँ पर सिर्फ एक ही दिख रही है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अनारक्षित में 750 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस में 500 रुपये, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग आप देख सकते हैं 750 रुपये है, ठीक है, यहाँ पर ओबीसी में, तो ओबीसी में ज़्यादा लगेगा, ईडब्ल्यूएस में फीस कम है, इसको भी जरा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी कैसा आवेदन पत्र आपका रहने वाला है ये देख सकते हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों आपको आवेदन पत्र भरना है, ठीक है, अपने जिले का आप पता करते रहिएगा, जब भी अगर आपको मौका मिले और आप एलिजिबल हैं तो भर दीजिएगा, अगर किस्मत रही तो हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो इस अपडेट को जरा हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 और 16 अक्टूबर को पीटी परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। पीटी एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस बार परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ 37.34 लाख युवाओं ने आवेदन किए हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद एग्जाम सेंटर को लेकर परीक्षार्थी में काफी गुस्सा है। कई परीक्षार्थियों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि उनका परीक्षा केंद्र काफी दूर रखा गया है। गूगल मैप शेयर करके उन्होंने बताया कि 5 से लेकर 6 घंटे की दूरी तय करके एग्जाम देना संभव नहीं है, ट्रेन में सीटें उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थी सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम ऑफिसर को टैग करते हुए परीक्षा केंद्र पुनर्निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो बच्चे समझदार होते हैं, जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होता है तुरंत वो ट्रेन की टिकट निकाल लेते हैं, और कुछ बच्चे भैया इंतजार करते हैं। एक बात आपको बता दें, अगर आप कभी ट्रेन में सफर बहुत कम करते हो तो याद रखिएगा जो स्लीपर क्लास होती है, ठीक है, उसमें अगर आपने टिकट करा लिया, सीट कन्फर्म है, अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से बच्चे बिना टिकट वाले भी स्लीपर में ही आ जाते हैं, तो सबसे बेस्ट सीट होती है एग्जाम के टाइम, सिर्फ बता रहे हैं एसी क्लास की, ठीक है, जितनी सीटें उतने ही लोग रहते हैं। और आगे देखिए यूपी SSSC पीटी अभ्यर्थी राहुल कुमार सेन ने कहा, परीक्षा केंद्र बहुत दूर है, ट्रेन में बैठने की जगह नहीं है, जहां मैं रहता हूं वहां से परीक्षा केंद्र पहुंचना मुमकिन नहीं है,
दिलीप सोनी नाम के अभ्यर्थी ने कहा कि 200 किलोमीटर दूरी परीक्षा केंद्र यानी 600 से लेकर 700 रुपए का खर्चा अगर अकेले कोई जाएगा, लड़कियों के साथ कोई ना कोई परिवार का सदस्य जाएगा, यानी खर्चा दुगना। सर यकीन मानिए, अभी कई परिवार हैं जहां इतने पैसे खर्च करने पर पूरे माह की व्यवस्था डगमगा जाती है। सोचिए दोस्तों, 600 से लेकर 700 रुपए। जी हाँ, ये बात तो सही है। सोचिए लाखों बच्चे जब इधर से उधर ट्रेवल करेंगे, आएंगे जाएंगे, तो खर्चा बहुत ही तगड़ा होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक इनकम का स्रोत भी जनरेट होगा, तो किसी का फायदा किसी का नुकसान होगा। तो सीधी सी बात है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सेंटर इतना ज्यादा भी दूर नहीं भेजना चाहिए था। ठीक है, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक भेज दो चलेगा, लेकिन अब 200 किलोमीटर 300 300 400 400 किलोमीटर, तो बच्चे मजबूर हो जा रहे हैं। कि मजबूरी ये हो जाएगी ना गाइस, कि अब एक दिन पहले भी कुछ बच्चों को सेंटर पर निकलना पड़ेगा जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है। इवनिंग शिफ्ट वाले तो भैया बच जाएंगे कि चलो ठीक है, बच्चे सुबह ट्रेन पकड़ कर पहुंच जाएंगे परीक्षा केंद्र तक, लेकिन जिन बच्चों का पेपर बिल्कुल सुबह वाले शिफ्ट में है, उनके लिए दिक्कत की बात है। तो अब बात कर लेते हैं गाइस कि जो हमारे स्पुटनिक रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। देखिए गाइस कि प्रमोट का रिजल्ट आने में कितना ज़्यादा लेट लतीफी हुई है, ये आपके सामने। रिजल्ट आएगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा समय और लगेगा। ठीक है, सब्र करिए, जल्दी रिजल्ट आएगा। और देखिए, स्कूटनी में अगर आपका नंबर बढ़ गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रत्यावेदन फॉर्म नहीं सबमिट किया है और किसी भी विषय में उनकी 3 बार बैक लगी है, तो वो बच्चे इसको जरा सीरियस लेंगे, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है ना, तो काफ़ी बार आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस बात को जरा आपको ध्यान में रखना है। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, जो भी अपडेट आएगी यूपी टेट की, सी टेट की, सुपर टेट की, हर एक अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। स्कूटनी रिजल्ट हर एक जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, कोई भी खबर देखिए आपसे छूटेगी नहीं। ठीक है ना, फेल छात्रों के लिए जितनी भी खबरें आती हैं सभी खबर आप तक पहुंचा दी जाती है। बाकी दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट की जो भी अपडेट होगी वो भी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे, तो इंतजार करना है हमें। और एक बात और समझ लीजिए कि यूपी टेट या सी टेट के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी जल्द शुरू होगी। और आपको पता है कि यूपी टेट का चाहे पेपर हो चाहे हमारा डीएलएड का पेपर हो, कराना तो भैया पीएनपी को है। तो या तो पहले हमारा डीएलएड का पेपर हो जाए तब यूपी टेट का पेपर होगा तो ही बेहतर होगा। नहीं तो गाइस, अगर यूपी टेट का पेपर पहले, मतलब कहने का मतलब ये कि उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो पीएनपी उधर व्यस्त हो जाएगी। क्योंकि इनको देखिए, यूपी टेट का पेपर कराने के लिए पहले आवेदन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद परीक्षा केंद्र का निर्धारण होता है, उसके बाद भैया जो पेपर आउट हो जाता है उसको बचाना होता है, तो पीएनपी के पास उधर काम बढ़ जाएगा। तो पीएनपी एक समय में एक ही काम उम्मीद है कि जल्दी कर पाएगी, और उम्मीद है कि डीएलएड का पेपर पहले हमारा हो जाएगा, उसके बाद ही हमारा टेट का पेपर होगा। ठीक है, तो तैयारी में आप लोग लग जाइए, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, कोई भी खबर दोस्तों आपसे छूटेगी नहीं। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ, पीएनपी के हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।